वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 6 गुना अधिक कोष आवंटित किया है। सरकार ने खुलासा किया है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रबंधन योजना के तहत 2020-21 में मिली 43 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 2021-22 में 249 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को लिखित उत्तर में बताया कि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूर्वोत्तर भारत के सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रबंधन के तहत 2021-22 में 602 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि 2020-21 में 355 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती, गश्ती के माध्यम से सीमा पर प्रभुत्व, नाका डालना, अवलोकन चौकियों को सक्रिय रखना, खतरे को समझना और समय समय पर तैनाती की समीक्षा करना, नई सीमा चौकियों की स्थापना, निगरानी उपकरणों की तैनाती, खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करना, सीमा पर तार लगाना आदि सम्मिलित है, राय ने बताया। ध्यान दें कि चीन ने भारत और भूटान के साथ सीमा के निकट सैकड़ों नए सीमा गांव बना लिए हैं। कुछ तो उस भूभाग में भी हैं जिसे दूसरे देश अपना दावा करते हैं। उदाहरण स्वरूप चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमे जिले, जो कि उसके अधीन है, में एक नई बस्ती बनाई है। इससे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले, जो कि 1950 के दशक के अंत से उसके अधीन है, में एक गांव बनाया था। समृद्ध सीमा गांव अभियान के तहत चीन ने भारत और भूटान की सीमा से लगी कम से कम 628 बस्तियों को विकसित किया है। तिब्बती लोगों को इन क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सड़क, रेलवे व बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। इसके अलावा वह लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन जैसे सब्सिडी भी दे रहा है। जब तक चीन अपना सीमा गांव कार्यक्रम पूरा करेगा, तब तक वह 2,40,000 लोगों को सीमा पर बसा चुका होगा। अगस्त में बताया गया था कि तिब्बत के सीमा क्षेत्रों की जनसंख्या 10.5% बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना का पूर्वी कमांड अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सीमा पर आदर्श गांव विकसित करने पर काम कर रहा है। इस वर्ष के बजट में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि प्रयोग के रूप में तिब्बत सीमा पर 3 आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे और भविष्य में इस कार्यक्रम का विस्तार और सीमा गांव में होगा। बजट में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन सब के साथ 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने सीमा सड़क संगठन BRO के पूंजी आवंटन में 40% की वृद्धि करते हुए 3,500 करोड़ रुपए चिन्हित किए थे। सीमा सड़कों का निर्माण व रखरखाव एवं संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल आदि का दायित्व BRO का है। पिछले कुछ वर्षों में BRO के काम की गति में काफी वृद्धि देखने को मिली है। संगठन का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने के साथ साथ कुछ अन्य सुधारों के कारण सीमा सड़क निर्माण की गति तेज हुई है। इन सुधारों के साथ पिछले कुछ वर्षों में BRO का बजट भी काफी बढ़ाया गया है। 2008 से 2016 के बीच BRO का वार्षिक बजट 3,300 करोड़ से 4,600 करोड़ रुपए रहता था, जो 2019-20 में 8,050 करोड़ रुपए कर दिया गया था। BRO की बढ़ती कुशलता को आंकड़ों में भी देखा जा सकता है। जैसे 2018-19 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में BRO ने 12% अधिक काम किया और 2019-20 में 2018-19 की तुलना में 30% अधिक काम किया।